वेलकम टू, स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार, और यहाँ पर देख सकते हैं संत ग्रह गुरु यूनिवर्सिटी के हम लोग वेबसाइट पर हैं। और इसमें का अभी हो रहा है पता है, अभी देखे होंगे कि अपने बहुत से क्लास चालू हो गया है 2024-25 का, और 2024-25 का क्लास चालू हो गया था। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो न्यू बच्चे हैं और जिनको बहुत सारे जानकारियाँ वगैरह पता नहीं रहता है। तो गाइस आप लोग वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, अभी होने वाला है 2024-25 में सेमेस्टर वाइज क्लास। तो सेमेस्टर वाइज क्लास अब तो आपको डेली आना पड़ेगा आपके संस्था पे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप क्लास नहीं आएंगे तो दोस्तों आप लोग का ही घाटा है। और यूनिवर्सिटी से मैं इसलिए आया हूँ इस वेबसाइट पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनका एडमिशन हो चुका है और बहुत लोग पेंडिंग हैं। दोस्तों अभी सूचना आ रहा है यार कि एडमिशन अब क्लोज हो गया लगभग लगभग, ठीक है। और चाहे MA PG का कोर्स हो, चाहे MA का कोर्स हो, चाहे आपके MSc का कोर्स हो, चाहे MCOM का, चाहे BA BSc BCOM का, ठीक है। तो सभी क्लासेस सभी लगभग क्लोज हो चुका है रजिस्ट्रेशन वगैरह। और अगर कहीं दिखा रहा है तो अलग बात है, मैं देखा नहीं हूँ। और एक बार दिखा देते हैं एडमिशन के अगर बढ़ा है कि नहीं। तो गाइस अभी दिखा रहा है यार, अभी तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हैं पूरा खाली दिखा रहा है, ठीक है। और एडमिशन दोस्तों देखिए, आप लोग अगर ले लिए हैं तो आप लोग अवेयर रहिए क्योंकि पूरा एडमिशन जो है 1 महीना चला, और 31 जुलाई तक चला ये वाला एडमिशन प्रोसेस। और 31 जुलाई दे सकते हैं, लास्ट डेट था PG वालों का, और इसी तरह UG वाले लोग का भी रहा जो UG से पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे BA हो BSc हो। तो संत ग्रह गुरु यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। और इसके साथ साथ क्या होगा पता है, आप लोग जब क्लास वगैरह जाएंगे तो आप लोग ज़रूर इसका सिलेबस को देख लीजिएगा, ठीक है। और सिलेबस को देखने के लिए दोस्तों अभी नए एजुकेशन NAP चालू हो गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-2020, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं NAP। अगर आप NAP के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, इसी के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है। हाँ, लेकिन मैं उन लोग के लिए बोलना चाहता हूँ जैसे कि जो इस साल एडमिशन लिए हैं, ठीक है, NAP के थ्रू, क्योंकि इस साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया है तो उसको सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ यार कि इसका सिलेबस वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। और जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं गाइस, और जैसे कि BA BSc पढ़ रहे हैं या PG कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको पुराने कोर्स ही चल रहे हैं क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जो अधूरे कोर्स वाले हैं तो उनके लिए NAP वाला तो नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ये आप चेकआउट करना चाहेंगे तो आसानी से देख सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं इस साल एडमिशन लिए हैं दोस्तों, उनके लिए कंपलसरी है, आप एक बार अपना सिलेबस को देखिए, पढ़िए, इसके बाद क्लास वगैरह करिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं वो ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ सेलेक्ट होता हूँ दोस्तों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं वीडियो को तो आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो सभी का सिलेबस सेम ही रहेगा। ओके, तो चलो मैं ले जाता हूँ वेबसाइट। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ यार उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के वेबसाइट पर, ठीक है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। तो यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पास, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम में आप क्लिक करेंगे, ये जो पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है वहाँ पास, ठीक है। और पाठ्यक्रम में जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको क्लास वाइज सबका दिखाई दे रहा होगा। अगर आप BA है BSc है और जो भी विषय है आपका, तो उसका एक बार सिलेबस आपको यहाँ पर ज़रूर देखिए। सपोज मैं बॉटनी का देख रहा हूँ, ठीक है, तो बॉटनी का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो मैं करके दिखा ही देता हूँ, ये रहा दोस्तों बॉटनी में क्लिक किया, और बॉटनी में जैसे ही क्लिक किया तो मैं पहले इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो उसको आसानी से आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसका सिलेबस आ चुका है दोस्तों, ये है बॉटनी का सिलेबस, ठीक है। और इस साल कैसा रहने वाला है उसका सिलेबस में, ठीक है। तो ये रहा कुछ इसका सिलेबस, अब यहाँ देख सकते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलेगा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का, जो BSc वगैरह कर रहे हैं उनके लिए।
इसी तरह दोस्तों और भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह और देख सकते हैं। आए आपको बहुत लंबा पेज में दिखाई देगा, इसको देख सकते हैं। मान लो कोई टॉपिक देख सकते हैं, देख लीजिए कोर्स कंटेंट में देख सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक है, इसमें क्या रहेगा, पहला यूनिट में रहेगा वायरसेस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, फिर नेचर रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, फिर नॉमिनक्लेचर रहेगा, ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस रहेगा। इसी तरह और भी है, चैप्टर को डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया रहेगा, फाइकोलॉजी है, फिर माइकोलॉजी है, इस तरीके से देख सकते हैं और भी क्लास का। तो मैं दूसरा दिखा देता हूँ, और जो आठ संकाय से सपोज के हिंदी के देखना है आपको, तो हिंदी का सिलेबस दोस्तों देख सकते हैं, ये रहे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के देख सकते हैं, और फिलोसॉफी के देख सकते हैं, म्यूजिक के देख सकते हैं, और जिस भी क्लास का आपको देखना है यार देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ाई के लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी रहता है, और सिलेबस अगर नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, और सिलेबस के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। और जिस भी क्लास का आपको सिलेबस चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर उस विषय का उस सब्जेक्ट को आप क्लिक कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और अपने जो पीडीएफ व्यूअर है उसमें देख सकते हैं, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट व्यूअर। तो ये रहा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के नए नए कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये रहा, और भी जानकारी के लिए दोस्तों हमेशा बने रहिएगा। तो थैंक्स।